एक और शॉप में नजर आती है फैजान अहमद रजा और एक इधर आती है हिजाबुल तैयबा अबाया। तो यहाँ चल के तो सर से हम बात करते हैं कि इनके पास कौन कौन सी जो वैरायटीज हैं, चल के तो डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सर मुझे आप पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम कामरान शीपा। कामरान शीपा साहब मुझे आप बताएं, आपने बड़ी एक छोटी सी शॉप है, मुझे यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी दिख रही है सारी अबाया की है। बिल्कुल। तो कौन कौन से अबाया की वैरायटीज आपके पास है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल, आपको बता सकते हैं कि देखें सबसे पहले अभी आजकल डिमांड आ रही है प्रिंटेड अबाया। अच्छा, प्रिंटेड अबाया की। जी हाँ, जैसे कि ये लगे हुए हैं प्रिंटेड के अंदर, फ्रंट ओपन के डिजाइन हैं और अमूमन बेल्ट वगैरह और कफ स्लीव इस तरह से चल रहे हैं। अच्छा, ओपन के साथ साथ इसमें मैक्सी की वैरायटी भी मौजूद है प्रिंटेड के अंदर, इस तरह के प्रिंटेड की कलेक्शन आपके सामने ही लगी हुई है। अब देखें ना, हर किसी की चॉइस नहीं होती है कि प्रिंटेड कलर में पहना चाहिए। तो अब अमूमन बेशतर जो है कस्टमर्स की डिमांड होती है भाई ब्लैक में भी। बिल्कुल, प्रॉपर अबाया जो है वो ब्लैक में। अच्छा, ब्लैक के पास आपके पास जितने भी अबाया है, जैसे कि ये जो लगा हुआ है मोती लगी हुई है, प्लास्टिक की है शीशे की है? नहीं देखे ना, एक्चुअली ये मैं आपको सच बताऊं तो ये होता प्लास्टिक ही है, क्योंकि ओरिजिनल डीएमसी स्टोन जो होता है वो फिर उसकी कॉस्ट लागत जो होती है वो काफी महंगी पड़ जाती है, कम से कम 4,000-5,000 तक रेंज में पड़ जाती है अगर ओरिजिनल शीशा लगाए तो। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चीज है ये सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक है, लेकिन इसको इतनी शाइनिंग के साथ और मजबूती के साथ चिपकाया जाता है कि ये अब निकलना चाहिए मशीनों का दौर है, गेटिंग मजबूती से चिपकाया। मुझे बताएं, ये चिपक तो जाता है साथ साथ, अगर फॉर एग्जांपल ये अगर हम आयरन कर रहे हैं तो अगर ये इस्त्री इसके ऊपर लग जाती है तो ये प्लास्टिक है तो ये चिपक तो नहीं जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये वो वाला मतलब एक हल्की लोअर क्वालिटी का प्लास्टिक जो है स्टोन के अंदर इस्तेमाल नहीं होता है। आप इसमें अगर आप प्रेस भी करना चाह रहे हैं तो बल्कि खदशा ही होता है कि कपड़ा जो है उसमें व्हाइट कलर की शाइनिंग ना जाए। तो बेशतर मैं हर कस्टमर को यही रिकमेंड करता हूँ कि आपने जो है गीला कपड़ा रख के इसके ऊपर प्रेस करनी है। इससे क्या होता है कि आपका स्टोन भी बच जाता है और आपका कपड़ा जो ये फैब्रिक है निदा कपड़ा, ठीक है, ये भी जो है बच जाता है। अच्छा कामरान साहब, मुझे आप ये बताएं, आप मुझे दिखा सकते हैं वैरायटी निकाल के ताकि जो सिस्टर्स देख लें प्रॉपर तरीके से? देखिए, ब्लैक कलर के अबाया में फ्रंट ओपन में पहला इस तरह का ये एम्ब्रॉयडरी वर्क दिया हुआ है अभी आजकल, ये अच्छा बेहतरीन, ये कलर थोड़ा ये एम्ब्रॉयडरी स्लीव्स के साथ ये हो गया। इसके बाद अब ये देखें और एम्ब्रॉयडरी स्लीव्स का ये वैरायटी, मतलब जिन सिस्टर्स को पसंद है ब्लैक कलर और साथ साथ एम्ब्रॉयडरी स्लीव पे एम्ब्रॉयडरी स्लीव, तो वो जो है इसको बाय कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर टेस्ट। बिल्कुल, और ये सारे फ्रंट ओपन के हो गए। अब देखें डिमांड अभी आजकल मैक्सी के अंदर देखें पर्ल्स की बहुत चल रही है। अच्छा, पर्ल्स में इस तरह के मैक्सी साइज में ये लगा हुआ, ठीक है। इसकी क्या प्राइस है सर आपकी? डिफरेंट प्राइजेस हैं, तकरीबन कम से कम 1800 और मिनिमम प्राइस 1500 तक की। अच्छा, अगर पर्ल मैक्सी पर्ल अबायस की तरफ आते हैं, अगर आप इसके प्राइस पूछते हैं तो बेसिकली अब ये इसका लुक जो है कम से कम फाइनल 1800 तक, फाइनल 1800। इसके बावजूद भी इसमें 100-200 रुपए की और गुंजाइश हो सकती है, ठीक है, अराउंड 1600 हो सकता है, ठीक है। ये लगा हुआ है, फिर इसके बाद ये है और मजीद इसमें पर्ल्स की कलेक्शन दी हुई है बेहतरीन। और अच्छा, कपड़ा जो अभी दिखा रहे हैं मुझे, तो ये कपड़ा कौन सा कहलाता है? ये निदा फैब्रिक सबसे बेहतरीन कपड़ा माना जाता है अबाया के कपड़ों के अंदर। अच्छा अच्छा, फिर इसके अलावा इस तरह के बटरफ्लाई में देखें, ये वैरायटी है फ्रंट बैक दोनों तरफ से, ये हो गया। और इसकी क्या प्राइस है? पर्ल्स मिनिमम प्राइस वही 1500, ठीक है, जितने भी लगे हुए 1500 से स्टार्ट। नहीं, जितने भी लगे हुए नहीं। अब सपोज ये देखें, ये एम्ब्रॉयडरी वर्क हमेशा महंगा आता है, ठीक है, अगर आप इसके प्राइस पूछते हैं तो ये एम्ब्रॉयडरी की वजह से फाइनल 2000 के प्राइस है, 2000। अब इसी तरह पीछे अगर आ जाए देखें, ये लगा हुआ मैक्सी के अंदर, ठीक है, ये एम्ब्रॉयडरी है, इसके भी फाइनल 2000 और 21-22, मतलब मुख्तलिफ इसके अंदर। अच्छा, जितने भी आप मुझे दिखा रहे हैं इस साइड पे जितने भी लगे हुए, ये सारे सर्दियों के गर्मियों के? ये असल में देखें बेसिकली सर्दियों के नहीं, गर्मियों के अतबार से ठंडा कपड़ा होता है, लेकिन सर्दियों में अमूमन ये कपड़ा चिपका जाता है, लेकिन ये वाला ये निदा फैब्रिक में इसी कोई शिकायत नहीं आती, सर्दियों में चिपकता नहीं है, लेकिन हाँ बेसिकली ये डिपेंड, ये गर्मियों के अतबार से बेस्ट है, खासतौर से गर्मियों के अतबार से बेस्ट है। तो इस तरह में ये लगे हुए स्टोन वर्क पर्ल्स, ये भी आजकल बहुत चल रहा है इस तरह का, ठीक है। कोशिश ये होगी व्यूवर्स के लिए ताकि मैं एक से एक जो कपड़ा निकलवा के जो इनको दिखाऊं, आप लोग को दिखाऊं, ताकि जो है आप कंफर्टेबल होकर जब आप विजिट करें तो उसी शॉप पे आए, ताकि ये ना हो ना बाज दफा क्या होता है कि औरतें आती हैं और वो चली शॉप पे जाती हैं, उनको समझ नहीं आता, फिर नेक्स्ट डे आना पड़ता है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं जो है हर शॉप पे जाके साथ साथ जो है उन जगहों को कैप्चर करूं, उन चीजों को कैप्चर करूं जो उनके लिए इजी टू कम हो, और ताकि मुझे अच्छा मुझे इस तरफ आप ये चीज दिख रही है, अब इस तरफ मैंने आपको प्रिंटेड की वैरायटी दिखाई, ठीक है, अब आते हैं इस तरफ, ये देखें जिधर ये लगे हुए वन कलर में। अब सपोज हर किसी को कलर में प्रिंटेड नहीं चाहिए होता है, ठीक है, तो अब देखें ब्लैक और प्रिंटेड के अलावा इस तरह के एयरलाइन घेर में इसके 15-20 कलर्स की कलेक्शन मैक्सी के अंदर मौजूद है। अच्छा, ये भी निदा फैब्रिक है? नहीं, ये बेल्ट स्टाइल नहीं है, ये एक्चुअली एक दूसरा नए किस्म का फैब्रिक इस्तेमाल किया हुआ है, चूंकि मेरी अपनी बनी हुई प्रोडक्शन में से है। अच्छा, तो फैब्रिक का मैंने बेहतरीन कपड़ा इस्तेमाल किया हुआ, जिसकी मैं बजाते खुद कपड़े की गारंटी दे रहा हूँ,
इसमें किसी भी किस्म का रोमा नहीं आता, ये सर्दियों में चिपकता नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ी शिकायत आती है सर्दियों में कपड़ा चिपकता है, ठीक है, तो ये वो चीज इसके अंदर गारंटेड नहीं होगा, और गर्मियों में चुभने वाला कपड़ा नहीं है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये आपका बनाया हुआ कपड़ा तो ऑब्वियसली बात है, कपड़ा मेरा नहीं, नहीं आपकी प्रोडक्शन है, तो बेसिकली ये तो निदा फैब्रिक इसके अंदर कपड़ा यूज हुआ है और ये आपकी प्रोडक्शन है, तो ये क्या उससे थोड़ा सा हाई है या लो है प्राइस में अगर देखा जाए? प्राइस में अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा लो है। अच्छा, इसके मुकाबले में, क्योंकि निदा फैब्रिक ब्लैक के अंदर बहुत चल रहा है। अच्छा, व्हाट वुड यू प्रेफर कि अगर कोई ख्वातीन आती हैं और वो ये लेती हैं, या इन दोनों में से अगर कोई चूज करे तो आप उनको क्या इस बात की जो है राय देंगे कि वो ये लें या दूसरी चीज लें? मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर जिनको ब्लैक चाहिए तो वो ब्लैक निदा फैब्रिक में ही परचेज करें, लेकिन अगर जिनको कलर में चाहिए तो मैं रेकमेंड करूंगा कि ये वाला फैब्रिक इज द बेस्ट, ये दिस फैब्रिक इज द बेस्ट। अच्छा ठीक है, ये सर्दियों में गर्मियों में चल सकता है, मौसम के तवा से बेस्ट है। प्राइस क्या है? देखिए जी, स्टार्टिंग प्राइस वही अमूमन 2,200 होते हैं, लेकिन मेरी तरफ से जो इसके फाइनल रेट रखे गए हैं, ये मैंने इस कपड़े में पहली बार नहीं, 4-5 बार कलेक्शन बनवा के बेच चुका हूँ। अच्छा, तो लास्ट टाइम जो मेरे प्राइस थे फाइनल इस कपड़े में 2,000 थे, लेकिन 2000. अब चूंकि अब देखें ना, अब आपको पता है प्राइस ऊपर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अब 2000 में सादा अबाया हर किसी की कॉस्ट में नहीं बैठ रहा है, तो इसी बात को देखते हुए मैंने इसमें प्राइस 2000 से थोड़े से कम करके रखे हैं, जैसे फाइनल मैंने इस दफा 1800 रखे हैं इसके। ठीक है। अच्छा दूसरा मुझे बताया, अगर चैनल के से लोग आते हैं थ्रू से, कहाँ से चैनल, मेरे चैनल के थ्रू से अगर लोग आते हैं, व्यूवर्स आते हैं, तो उनको कोई अगर डिस्काउंट अगर मिल सके तो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनके लिए बकायदा, जैसे आप सपोज मैं अगर इसी की बात करूं, अब मैंने आपके सामने अभी 1800 फाइनल आपको रेट बताया जी, अब आपके चैनल के थ्रू इंशाल्लाह मैं इसमें 100 से 200 रुपए की और मजीद गुंजाइश, मतलब ये 1600 तक का प्लस ऑल्ट्रेशन के साथ, चूंकि लंबाई वगैरह जो कुछ ऑल्ट्रेशन। अच्छा दूसरे मुझे बताएं कि आपके पास सिर्फ एडल्ट्स के अबाया होते हैं, छोटे बच्चों के अबाया होते हैं? नहीं, मेरे पास सारे एडल्ट्स अबाया होते हैं, क्योंकि अब चूंकि देखें ना, बच्चों के अब इस तरफ अगर आप अपना कैमरा घुमाएं तो देखें, ये कोट बच्चों के हिसाब से बेहतरीन। अब इसमें अगर मजीद और छोटी बच्चियों के हिसाब से लंबाई कटवानी है तो हमारा दर्जी टेलर ऊपर बैठा होता है। इसकी क्या प्राइस है कोट की? भाई मिनिमम फाइनल 1500। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सर, मुझे आप अगर अपना कांटेक्ट नंबर बता सकें। बिल्कुल, मैं आपको अपने शॉप का कार्ड भी देता हूँ। ठीक है, और साथ साथ मुझे अपना कांटेक्ट नंबर भी बता दें, ताकि स्क्रीन के अंदर स्क्रीन पे जब मैं चला दूं, जब आप इसमें जूम करके, ये इनका जो कांटेक्ट नंबर है हिजाबुल ताबिया भाया। अच्छा ये नाम किसने रखा? ये एक्चुअली मेरे अबू ने रखा है, और इसलिए क्योंकि ये मेरी भांजी का नाम है। अच्छा, ताबिया बहन की बेटी है। ठीक है, हिजाबुल ताबिया। ठीक है, बेहतरीन हो गया जी। और साथ साथ मुझे अपना नंबर भी बता दीजिए। वैसे जो फर्स्ट नंबर वाला है 0347, ये आप देख सकते हैं, ये इनका नंबर है 0347243653। ठीक है, कामरान शिवास आप नाम है आपका। थैंक यू सो मच सर, और आपने कॉन्टेक्ट भी दे दिया, आपने सारी चीजें अच्छी से बताई, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। साथ साथ मुझे बताएं इसकी टाइमिंग्स क्या शॉप की आपकी? देखिए जी, 12 बजे से लेकर 9:30, चूंकि अभी मार्केट है 9:30-10 तक खुली हुई, तो इसीलिए 9:30-10 बजे तक की टाइमिंग है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हम आगे चलते हैं, चल के देखते हैं हमें और क्या किसी चीजें मिलेंगी।